आप भी मौका दे रहे हैं तारा देवी जी को? तारा तारा तीन तारा वो तो हरो हरा वो हरो यानी उषा तब तारा तीन तारो हरो। अच्छा किसके साथ है? हम लोग कैंची जयराम के साथ में है, यानी उषा देवी जी उषा देवी के साथ। बीजेपी का और कांग्रेस का जो प्रचार करने के लिए आते हैं वो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आते हैं, तो टाइगर जयराम महतो उसके सामने टिक पाएंगे? महतो के देख ले कहियो, अपना बोले से मानस कर लिए तो देखबे ना। हाँ तो इस बार जयराम महतो के आशीर्वाद मिलते दादी से? हम तो दे है बाबा, तो हमें एकाई दिले तो नहीं हेते, सब यदि देते तो बढ़िया है। हम अपने पोसी के मानस कर लिए खिया लिए एक पेटक लगिए। ऐसी छाप में इस बार कैसे मन बदल गया दीदी? पहले से तारा देवी जी को आप लोग समर्थन करते आए हैं, इस बार बोल रहे हैं कि कैची छाप में वोट देंगे, क्या कुछ मन में चल रहा है? जोहार नमस्कार दोस्तों, अभी हम है सिंदरी विधानसभा के बलियापुर ग्राउंड में। धनबाद जिला पड़ता है, धनबाद जिला के अंतर्गत सिंदरी एक विधानसभा है, जहां पर देख सकते हैं ये जो लोकेशन आपको दिख रहा होगा प्लस टू उच्च विद्यालय बलियापुर, ये बलियापुर का एक ग्राउंड है जहां पर टाइगर जयराम महतो का एक विशाल जनसभा होने वाला है, चुनावी दौरा चल रहा है उनका। बताते चले कि सिंदरी विधानसभा में 20 नवंबर को वोटिंग है और आज जो है 11 नवंबर है, यानी 11 नवंबर को जो है इस बलियापुर के धरती में टाइगर जयराम महतो का आगमन होने वाला है और एक विशाल जनसभा का संबोधन करने वाले हैं टाइगर जयराम महतो। देख सकते हैं तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और चलिए कुछ आए हुए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किसकी पकड़ किस पर भारी है, कौन होगा सिंदरी विधानसभा का भावी विधायक। बताते चले आप लोगों को कि सिंदरी विधानसभा में जो है जेएलकेएम की प्रत्याशी उषा देवी जी है, एनडीए गठबंधन से तारा देवी जी है और इंडिया गठबंधन से बबलू महतो जी प्रत्याशी है, तीनों के बीच में घमासान टक्कर है। कौन इस चुनावी दौर में आगे निकलता है, कौन हो सकता है सिंदरी विधानसभा का भावी विधायक, कुछ लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं क्या कुछ सिंदरी विधानसभा में माहौल चल रहा है। बने रहिए वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बातचीत शुरू करते हैं, तो चलिए कुछ आए हुए लोगों से हम बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं दादा? गोपालपुर। क्या नाम हुआ आपका? मिथुन महतो। कौन विधानसभा में अभी हम लोग हैं? तो हमको मालूम नहीं। सिंदरी विधानसभा। सिंदरी विधायक। तो सिंदरी विधानसभा से कैची छाप का कौन उम्मीदवार है? कैची छाप में वोट मारेंगे। वोट मारिएगा कैची छाप। हाँ। उम्मीदवार कौन है जानते हैं? नहीं जानते। उम्मीदवार कोई भी हो इस बार बदलाव करिएगा पूरा झारखंड में। हाँ सर, पूरा पूरा बदलाव होगा पूरा। चलिए आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? दयाल महतो है। दयाल महतो जी, हाँ। बताइए कि सिंदरी विधानसभा में कौन अभी आगे चल रहा है, कि सिंदरी विधानसभा में बड़े बड़े प्रत्याशी भी है, तारा देवी जी है एनडीए गठबंधन से और इंडिया से बबलू महतो जी है, हाँ। तो वो लोग पूरा दिग्गज है, लोग पहला बार चुनाव लड़ रहा है, तो क्या सिंदरी विधानसभा में इस बार बदलाव होगा? बदलाव तो जरूर होगा। जरूर होगा। हाँ, बदलाव जरूर होगा सिंदरी विधानसभा में। अब इंडिया करे गठबंधन और लाल करे तारा करे, हम लोग को कोई देख रहा है, लेकिन इस बार बदलाव करना है। और 1932 लागू करेंगे, 1932 खतियान जहाँ से टाइगर जयराम महतो यहाँ से ही बलियापुर के धरती से ही अपना आंदोलन शुरू किए थे 1932 खतियान वाला। हाँ, तो हम लोग तो पहुँचा रहे हैं, अगर हम लोग तो नहीं कर सकते हैं, करेंगे उसको जो पहुँचा रहे हैं हम, तो वही कर सकते हैं ना, जिसको हम पहुँचा रहे वो मटिया दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर जयराम महतो अगर कर सकता है तो करे करे, यानी मौका दीजिएगा इस बार। मौका फूल मौका है। चलिए फूल मौका, आप भी मौका दे रहे हैं तारा देवी जी को? तारा तारा तीन तारो वो तो हरो हरा वो हरो, यानी उषा तब उषा तारा तीन तारो हरो। हाँ। किसके साथ है? हम लोग कैंची जयराम महतो के साथ में है, यानी उषा देवी जी उषा देवी के साथ में है। चलिए ये सब तारा के भी साथ नहीं है, ये लोग उषा देवी जी के साथ में है। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बलियापुर अधिवेशन में हम लोग आए, बलियापुर के इस ग्राउंड में आए हुए एक दादा, इनसे भी बात। क्या नाम हुआ दादा? मेरा जितेंद्र महतो है।
अच्छा क्या लग रहा है, कैसा माहौल है अभी आपके तरफ? माहौल तो बहुत अच्छा है। कैची छाप क्या जीत पाएगा सिंदरी विधानसभा से? ना जीत पाएगा जो तो खेत के आड़ जैसे मतलब हो सकता है तो उसे खेत जैसे जैसे सार दे सकते हैं वैसा मतलब खेत का होता तो खेत में तो धान उगबे करेगा जरा मतलब जितबे करेगा एकदम जीतेगा। काहे नहीं जीतेगा, हम क्वार्टर का आदमी है, काहे नहीं जीतेगा? क्वार्टर से मतलब हम लोग पूरा एकदम पूरा सपोर्ट है। जयराम दादा के साथ आप लोग क्यों जुड़े हैं ये बता दीजिए। तो उसका मतलब व्यवहार अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, उसका मतलब नियत अच्छा है, इसीलिए हम लोग अपना तरफ से ही अपने दिल से ही उसको वोट दे रहे हैं। अच्छा 24 साल से यहाँ जो है नेता साहब और मंत्री साहब पूरा एकदम झारखंड को बर्बाद कर दिया है, तो जयराम माता से उम्मीद है कि सुधारेंगे? नहीं जयराम माता पूरा उम्मीद है, इसलिए तो उसको वोट दे रहे हैं, पूरा उम्मीद है। चलिए तो भैया लोग कभी कहना है किस बार बदला होगा, आइए थोड़ा इधर भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है लोगन महतो। तो कैंची का क्या लहर है आपका विधानसभा में? कैंची एकदम सबको काटेगा, एक ससुरा है सबको काटते कैंची काट देगा। हाँ एकदम काटेगा, उसे काटने का काम है इस बार, कोई माई का लाल नहीं है तो इस बार के ईश्वर हरा सकता है, सब सारा जीतेगा इस बार। तो हम बोलना चाहेंगे कि जो क्या बोलते बीजेपी का और कांग्रेस का जो प्रचार करने के लिए आते हैं वो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आते हैं, तो टाइगर जयराम महतो उसके सामने टिक पाएंगे? टाइगर जयराम महतो जो है जो पैदा हुआ है झारखंड का जो भविष्य पैदा किया हुआ है उसे जान देगा, हत्या का विधानसभा पैदा हुआ है और वो सब नेता का एकदम गाल फेंक रख दिया है, सब सब हिल गया है, हिल गया है, सब हिल गया, पूरा पूरा प्रधान में इसका प्रचार हो रहा है। ऐसा कोई बात नहीं कि जनता गरीब नहीं दे रहा, पूरा 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 इंडिया इधर पूरा गठबंधन जो गठबंधन करके इसको हरा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हार जीत के पहले गठबंधन को सारा जीत के पहले गठबंधन कर रहा है, एक बार चुनाव हो रहा है, यानी कैची छाप का जो है सिंदरी विधानसभा में पूरा खोप बना दिया है। खोप खोप नहीं, पूरा दुनिया में खोप है इसका, पूरा इंडिया में इसका जयराम का नाम है, पूरा इंडिया देख रहा है इसका, हाईवे देख रहा है, नेशनल परमिट देख रहा है इसका कि जयराम में से लेता है। क्या बोले दादा? बोल रहे हैं कि जयराम दा का जो स्टेटमेंट रहता है ना वो मोदी भी देखता है, मोदी भी देखता है, इतना बढ़िया नेता है, इतना बढ़िया नेता नहीं बोले सबसे बढ़िया नेता है, सबसे बढ़िया। तो इस बार सीएम बनेंगे जयराम महतो? एकदम भरपूर, कोई आप लोग वोट दीजिएगा, क्यों नहीं, हम लोग तो उसी को वोट देंगे, सिर्फ देखने के लिए आए हैं। नहीं नहीं, और इधर सिंदरी विधानसभा में मुर्गा दारू हाड़िया 500 रुपया ये सब हाड़िया दारू सब चलता है, वो सबसे जयराम का कार्यकर्ता नहीं बिकने वाला, नहीं बिकेगा, नहीं। चलिए हम खुद अपने गाँव से लेकर आए, मतलब बन को लेकर आए, हमको पैसा जयराम को अंबिका भट्ट में भी पैसा दिया था, ऐसे भी जयराम को सपोर्ट में हम गाड़ी लेकर आए, पैसा खर्चा करके आए हैं, हम जयराम को देंगे तो जयराम को ही देंगे, कोई माई के लाल को रोक नहीं सकता इसके इस बार। चलिए ठीक है, सबका आशीर्वाद जो है जयराम के, वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जोहार दादा, जोहार। क्या माहौल चल रहा है कैची छाप के सिंदरी विधानसभा में? अरे हम बाहर से फोर्स में है अभी, ऐसा पता नहीं। चलिए और दूसरा लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? कहाँ से आए? अभी हम लोग सिंदरी विधानसभा में हैं। किसका प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं? जयराम महतो का। जयराम महतो का तो देखने के लिए आए कि वोटो दीजिएगा? वोटो भी देंगे। किसी पर दूसरा पार्टी से तो नहीं ना, सिर्फ देख के मतलब देखने के लिए आए हैं या कैंची चलेगा? यहाँ पर कैंची चलेगा, खाली कैंची चलेगा। तो कैंची ऐसा क्या कर दिया दो साल के द्रव्यमान में, कैसा माहौल पैदा कर दिया कि सब लोग कैंची कैंची बोल रहा है? माल तो पड़ा किया है कुछ, तब हम लोग बोले कैंची चलेंगे। हाँ तो जयराम महतो अच्छा कुछ करेंगे सिंदरी विधानसभा में? एकदम काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। अच्छा कितना उम्मीद लगता है कि उषा देवी जी सिंदरी विधानसभा से विजय हासिल कर पाएगी? ऊपर ऐसा रहेगी एक नंबर रहेगी। और जो है क्या बोलते हैं तारा देवी जो एनडीए गठबंधन से है बहुत मजबूत, उसको भी बोल रहा है आदमी सब, और बबलू महतो जी इंडिया गठबंधन से वो भी मजबूत है, टक्कर होगा? 100 बात का एक ही बात बोल दिया, खाली कैंची चलेगा, सिर्फ कैंची चलेगा। आपका गांव तरफ
का माहौल है यहाँ पर आए हैं तो हो सकता है आप कैची कैची बोल रहे हैं, लेकिन आपका गांव तरफ का माहौल सारा माहौल चल जाइए 23 पंचायत में चल जाइए जितना जाना आपको सारा में जाकर कंचे मिलेगा घर घर में मिलेगा पांच का कैंडिडेट है तो पांचों कंचे जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा दीदी लोग से भी बातचीत करते हैं, कहाँ से आए हैं देखने के लिए, कहाँ से आए हैं दीदी? सिंदरी से। सिंदरी से ही? तो सिंदरी में किसको इस बार वोट दीजिएगा? तारा देवी जी भी है, उषा देवी जी भी है, दो दो महिला प्रत्याशी है, किधर अभी वोट हुआ जाएगा? वोट तो वहीं जाएगा जहाँ अपना इच्छा होगा। हाँ। सीधा बात है, मतदान अपना मत होता है, अपना मत होता है। हाँ, बस इसमें अभी किसको यहाँ सुनने और देखने के लिए आए हैं? हम लोग जयराम महतो को देखने के लिए आए हैं। अच्छा लगेगा तो वोट दीजिएगा क्या? यही मैंने डिसाइड करने के लिए आए कि कैसा मतलब बोलता है क्या बोलता है। तारा देवी और जयराम महतो में अंतर क्या है? हाँ हाँ। कौन क्या कर सकता है, बिना देखे तो आदमी नहीं ना समझ सकता। बस हम लोग सोचने समझने के लिए आए हैं थोड़ा। सही बात। इस बार अच्छा आदमी को वोट दीजिएगा ताकि आपका 5 साल ना बर्बाद हो, क्या कि 5 साल बहुत बड़ा समय होता है, 5 साल के बाद फिर से मौका मिलेगा आपको वोट देने का, है ना? हाँ, आपका कहना भी सही है। इस बार झारखंड जो है 24 साल से जितना शोषित था, पीड़ित था, जितना आदमी सब को सताया गया है, क्या इस बार मुक्ति मिलेगा झारखंड को? झारखंड का नवनिर्माण होगा? होना तो चाहिए, झारखंड अलग करके हम लोग का झारखंड में कुछ हम लोग को तो मिला नहीं। हाँ। लेकिन अगर अभी हम लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तो हम लोग को मिलेगा भी नहीं। अच्छा बताइए, 1000 रुपया टकाटक अकाउंट में आ रहा है कि नहीं? किसी किसी का एक एक महीना आया, दो दो महीना आया, बाकी बंद हो गया। बंद हो गया? आपका आया कि नहीं? मेरा नहीं आया भाई, सच बात नहीं आया है। ताबरी बोल रहे हैं कि हेमंत सरकार हमको जुटाओ और सरकार बनाओ और 2500 रुपया महीना लो। ये कोई मतलब नहीं हुआ है? नहीं, ये कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब 5 साल पहले कहाँ थे? सही बात। 5 साल से क्यों नहीं दिए? 5 साल पहले ये चीज करना चाहिए था उनको। 5 साल कम से कम अपना राज्य में तो पब्लिक को दिए रहते हैं, लेडीज के लिए अगर सोच रहे थे तो। कहने का मतलब इतना ही है, जो भी कर रहे हैं, जो अपना सत्ता पे सबको सही कर रहे हैं, हमको जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। चलिए ठीक है, थोड़ा दीदी से भी बात करते हैं। जोहार दीदी। अच्छा नाम तो बताइए, नाम तो बताइए। अरे बात करा देंगे, मेरी दीदी है। चलिए दीदी नहीं बताएंगे, दादी से बात करते हैं। जोहार दादी। सुखेर। केकरा देखे आलीगो? जयराम के। जयराम के? तो जयराम महतो के देख ले कहियो। अपना बोले से मानस कर लिए तो देखबे ना। हाँ हाँ। तो इस बार जयराम महतो के आशीर्वाद मिलते दादी से? हम तो दे ही बाबा, तो हमें एकाई दले तो नहीं हेते, सब जदि देते तो बढ़िया है। आ हम ओकरा पोसी के मानस कर लिए, खिया लिए, एक पेटक लगिए, बुझले? तो जयराम जयराम के हाँ सिला के बेटा, सिला के बेटा दे सुन। तो दादी का जयराम महतो इस बार जीतब दिन को बहुत को बोला थी कि ना जीते पारते, तो क्या बोलो? कोई यदि जीती जाए तो बढ़िया बढ़िया है, और ना जीत ले की जीते जीते, अगर बूढ़ी दादी सबके आशीर्वाद मिलते तो जरूर जीतते। देखा तो नहीं बुझा, और मैं देखा जी और वहाँ मामा घर संपत्ति आए, और संपत्ति नहीं भालो है, हमारे अपन काका कर बेटी कर बेटा लगे वहाँ एकदम अपन वहाँ ना जमी बाड़ी भाला आमडी आमडी जानबे आमडी जानबे हमर बाप घर वही लगे। तो इस बार कैची छाप ने भटवा जाता है? हाँ हमें तो दे देवे चल जाते हैं। आते है कि ना कहाँ आएंगे कहने भटवा जाते हैं? जयराम माता कौन छापे? कैची छापे? कैची छाप, कैची छापे कि हाथ छापे कि कमल कमल फूल छापे? अच्छा चलो आप बताइए दीदी, आप कहाँ से आए हैं? सिंदरी। सिंदरी से? तो सिंदरी में आप भी महिला है, दो महिला प्रत्याशी आपके बीच में है, एक नया आपका है उषा देवी जी जो JLKM पार्टी से है, और आपका एक कमल फूल छाप से है तारा देवी जी। किसको इस बार चमकाइएगा आप लोग? टाइगर जयराम महतो कंची छाप।
कैंची छाप। तो कैंची छाप में इस बार कैसे मन बदल गया दीदी? पहले से तारा देवी जी को आप लोग समर्थन करते आए हैं, इस बार बोल रहे हैं कि कैंची छाप में वोट देंगे, क्या कुछ मन में चल रहा है? चलबे करेगा, हम लोग को जो बाल बच्चे है उन लोग को भविष्य का लिए जो पढ़ रहा है, जो हम लोग को गाँव में कुछ ही नहीं है, इसलिए दे रहे हैं कैंची छाप। कैंची छाप, तो बदलाव इस बार होगा, सिंदरी विधानसभा से उषा देवी जी जीतेगी? जी सर, जीतबे करेगी सब हम लोग। आप लोग का आशीर्वाद है? एकदम एकदम फूल आशीर्वाद है, हम लोग देबे करेंगे। चलिए, तो देखिए दीदी सबका भी आशीर्वाद है और दादी सबका भी आशीर्वाद मिल रहा है जयराम महतो को, और जयराम महतो की प्रत्याशी उषा देवी जी को समर्थन मिल रहा है यहाँ से। बाकी बात क्या कुछ होगा वो 20 नवंबर को जब वोटिंग होगा, जब ईवीएम में सभी विधानसभा और सभी सिंदरी विधानसभा का जनता का जब मत उसमें कैप्चर होगा, उसके बाद जब 23 तारीख को ईवीएम का पिटारा खुलेगा, उस वक्त पता चलेगा कि आखिर सिंदरी विधानसभा में कौन होगा अगला विधायक। बाकी बात आप लोग किसे देखना चाहते हैं अपना अगला विधायक सिंदरी विधानसभा का? तमाम जो लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को वो लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हमारी ओर से सभी झारखंडियों को जय हिंद और जोहार झारखंड।